फ्रेंड्स, आप लोगों ने देख लिया है किस तरह से महाराष्ट्र में उथल पुथल चल रही है। लेकिन इस बीच संजय राउत का एक विवादित बयान आया है। विवादित बयान है सुशांत सिंह राजपूत केस में। जो लोगों ने ध्यान नहीं दिया उन लोगों को मैं ध्यान दिला दूं कि संजय राउत ने आज सुशांत सिंह राजपूत केस में एक बड़ी बात की है जो कि विवादित है। ये क्यों विवादित है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। आप लोगों ने देख लिया है परमवीर सिंह भंडारी के पत्र के बाद, उस एटम बॉम्ब के बाद क्या हाल है महाराष्ट्र में। सचिन बोआजे अरेस्ट कर लिए गए हैं। सीपी एक्स सीपी परमवीर सिंह भंडारी को ट्रांसफ़र कर दिया गया है। दो लोग अरेस्ट हुए हैं, लेकिन वहीं मनसुख हिरेन का डेथ मामला भी सामने आया। एंटीलिया बॉम्ब स्केयर केस में कई खुलासे हो रहे हैं जो कि आने वाले वक्त में लोगों को चौंका देंगे। लेकिन जो सबसे बड़ी खबर जिसके चलते मैं अभी आप लोगों के साथ जुड़ा हूं, वो है संजय राउत का विवादित बयान जो कि दिया गया है सुशांत सिंह राजपूत केस में। संजय राउत कहते हुए दिखे कि देवेंद्र फडणवीस को सीरियसली नहीं लेना चाहिए। अगर सीरियसली नहीं लेना चाहिए तो 26 सितंबर के आसपास एक खबर आई थी जहां पर पता चला था कि संजय राउत एक 5-स्टार होटल में देवेंद्र फडणवीस से नॉन ऑफिशियल मामले में 2 घंटे के लिए मिले थे। अगर देवेंद्र फडणवीस को सीरियसली नहीं लेना चाहिए तो उस टाइम जिस टाइम पर सुशांत सिंह राजपूत केस में पूरा बवाल मचा हुआ था, क्यों आप देवेंद्र फडणवीस से मिले थे? याद होगा आप लोग, आपको अगर आप भूल गए हो तो संजय राउत जी, मैं आपको याद दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक वाक्य जो आपने कहा आज कि देवेंद्र फडणवीस को सीरियसली नहीं लेना चाहिए, उस पर एक जवाब है। लेकिन वहीं आपने एक बात और कही है संजय राउत ने। संजय राउत कहते हुए दिखे कि सुशांत सिंह राजपूत केस में जब परमवीर सिंह ने एक स्टैंड लिया तो ऑपोजिशन कहाँ था? ऑपोजिशन वहीं था आज जहाँ पर है। लेकिन उस टाइम पर परमवीर सिंह भंडारी की बात पर तवज्जो आप ही लोग दे रहे थे, और आज जब परमवीर सिंह भंडारी आप लोगों की पोल खोल रहे हैं तो आप लोग उन्हें अपने से अलग हटा रहे हैं, झटक रहे हैं। तो कौन स्टैंड गलत ले रहा है ये आने वाला वक्त बताएगा। 21वीं शताब्दी चल रही है संजय राउत जी। पॉलिटिक्स हर कोई समझता है, चिट भी और पट भी दोनों आपकी नहीं हो सकती। ये विवादित बयान मुश्किलों में ला सकता है महाअघाड़ी सरकार को, क्योंकि ये रिलेटेड टू सुशांत सिंह राजपूत है। तो फिलहाल एक बड़ी खबर, कुछ और खबरों के साथ फिर जुड़ूंगा, लेकिन मामला सीरियस है। महाराष्ट्र में बहुत कुछ हो सकता है आने वाले दिनों में, क्योंकि संजय राउत कहते हुए दिख रहे हैं कि अगर राष्ट्रपति शासन लाने की कोई कोशिश करेगा तो आग में झुलस जाएगा। क्या इनडायरेक्टली धमकी देने की कोशिश कर रहे हैं ये भी देखना और समझना होगा, क्योंकि कई ऐसे वाक्य हैं जो आने वाले टाइम में कई परतें खोलेंगी जिसके चलते पता चल जाएगा कि क्या है पूरा मामला एंटीलिया मुकेश अंबानी स्केयर केस में। फिलहाल इतना ही, कुछ और खबरों के साथ फिर जुड़ूंगा। धन्यवाद।